हमले से जुड़ी हुई बता रहे हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद लगभग 600 मोबाइल बंद हुए हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक 22 जिलों में मोबाइल्स बंद हुए हैं, 600 मोबाइल। अतीक के करीबियों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए हैं। अतीक के कई करीबियों ने अपना घर तक छोड़ दिया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसका असर जांच पर पड़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे फोन थे जो सर्विलांस पर लाए गए थे। तो उमेश पाल की हत्या के बाद लगभग 600 मोबाइल बंद। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मोबाइल बंद हुए हैं और किस तरह से इसका जांच पर असर पड़ सकता है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सैकड़ों मोबाइल्स को, सैकड़ों नंबर्स को सर्विलांस पर रखा गया था। अतीक अशरफ की हत्या के बाद सैकड़ों मोबाइल अब बंद पाए गए हैं। इसके अलावा कई ऐसे करीबी हैं जिन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया। करीब 600 से ज्यादा मोबाइल के नंबर्स इस वक्त स्विच ऑफ आ रहे हैं। अतीक अशरफ के कई ऐसे करीबी रिश्तेदार हैं और गुर्गे हैं जिन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया है, और जिसका सीधा सीधा असर जांच पर आगे पड़ सकता है, इसकी आशंका भी बनी हुई है। तो मोबाइल नंबर के बंद होने से पहले कई लोग रडार पर थे, लगातार पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन आज हालात ये हैं कि यूपी के लखनऊ सहित ऐसे 22 जिले हैं जहां पर ये तमाम जो मोबाइल्स अब फिलहाल बंद पाए जा रहे हैं, जो कि अब तक पुलिस के सर्विलांस पर थे। तो 600 ऐसे मोबाइल्स नंबर हैं। कुछ मोबाइल नंबर दूसरे जो माफिया ग्रोह हैं उनसे जुड़े हुए हैं, ये भी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये मोबाइल्स आज भी ऑन रहते तो पुलिस की रडार पर और भी कई गिरोह और भी कई लोग आ सकते थे। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती और यहां पुलिस के सामने हो गई है। बड़ी संख्या में अब मोबाइल नंबर बंद होने से कहीं ना कहीं देखिए जांच भी प्रभावित होती नजर आ रही है। मेरे सहयोगी दीपक दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जरा बताइए, समझाइए, ये 600 मोबाइल नंबर बंद होना ये किस तरह जांच को प्रभावित कर सकता है? जी, आपको एक इस पूरे मामले में उदाहरण देते हैं कि जब अतीक, जब इस पूरे मामले में उमेश पाल की हत्या की गई थी, और उसके बाद से ही असद हो या गुलाम हो या गुड्डू मुस्लिम हो, ये सभी जो शूटर थे और फरार चल रहे थे। लेकिन जब इस पूरे मामले में सर्विलांस पर रखा गया तकरीबन 1000 से ज़्यादा नंबर, जो अतीक के गुर्गे, अतीक के रिश्तेदार और दूसरे गैंग से जुड़े हुए लोग जो भी इस पूरे मामले में अतीक और अशरफ से और असद से जुड़े हुए थे, तो उस दौरान जब झांसी में इनकाउंटर हुआ असद का और इस पूरे मामले में गुलाम का, तो पुलिस को मोबाइल सर्विलांस के आधार पर ही सूचना मिली थी कि आखिर किस तरह से उमेश पाल को मौत के घाट उतारने के बाद गुड्डू मुस्लिम दूसरे दिन झांसी गया हुआ था। तो सर्विलांस के माध्यम से ही वो सूचना मिली, और उसके बाद जाकर जो प्रयागराज पुलिस थी और एटीएस थी वो वहाँ तक एसटीएफ जा पहुँची थी, और उसके बाद दूसरे दिन किस तरह से उसे भनक लग जाती है, जो पांडे नामक शख्स था जिसने उसे अपने घर में पनाह दी थी, और उसके बाद वो वहाँ से भागने में गुड्डू मुस्लिम कामयाब हो जाता है। लेकिन जब असद और गुलाम के बारे में फिर से सर्विलांस के माध्यम से, खबरियों के माध्यम से सूचना मिलती है कि झांसी में वो छुपा बैठा है, तो उसके बाद जाकर उन दोनों को रोकने की कोशिश एसटीएफ की तरफ से की जाती है, जहां पर मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया जाता है। तो इसी तरह से ये सर्विलांस काफ़ी महत्वपूर्ण था उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा नंबर सर्विलांस पर रखे गए थे। लेकिन जब अतीक और अशरफ की हत्या कॉलविन अस्पताल के अंदर कर दी जाती है, उस दौरान भी वो नंबर सर्विलांस पे थे, और भी नंबर को एक्टिवेट कर दिया जाता है सर्विलांस पर, जिससे कि शूटरों के बारे में पता चल सके, और इसके साथ साथ अतीक के जो परिवार के सदस्य हैं, जिसमें शाइस्ता प्रवीण पर 50,000 रुपए का इनाम है, गुड्डू मुस्लिम पर 5,00,000 रुपए का इनाम है, इनको धरपकड़ करने के लिए सर्विलांस पर एक बार फिर से पुलिस की नजर रहती है। लेकिन जैसे हत्या कर दी जाती है, उसके बाद एक के बाद एक नंबर बंद होते चले जाते हैं, जिससे कि एजेंसीज को, खासतौर पर एसआईटी को हो और एटीएस को हो, प्रयागराज पुलिस को दिक्कतें आ रही हैं कि आखिर उन तक कैसे पहुंचा जा सके, क्योंकि ये शाइस्ता प्रवीण और इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम जो फरार है, कहीं ना कहीं अतीक के गुर्गों और अतीक के परिवार के सदस्यों किसी न किसी के संपर्क में जरूर होंगे। लेकिन अगर नंबर बंद हो जाता है तो पुलिस किस तरह से उन तक पहुंचती है, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुलिस ने इन जिनके भी नंबर सर्विलांस पर रखे थे उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं कर रही थी। उनका मकसद ये था कि अगर ये जो भगोड़े आरोपी हैं उनसे संपर्क करते हैं तो सर्विलांस के माध्यम से उन पर पैनी नजर रखी जा सके, और जैसे ही वो उन
इन तक पहुंचे शाइस्ता। बिल्कुल, और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इस पर गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता के खिलाफ एक्शन में तेजी लाने के बावजूद भी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि 600 मोबाइल बंद हुए। बहुत बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त एसआईटी के लिए कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक तिवारी और दीपक दुबे हमारे साथ इस पूरे मामले पर हमें खबर पहुंचाने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी रहेगी, बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।